खबर नौ जनपद से, जहां शरद ऋतु के अंतर्गत शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय कक्ष में बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में शीतलहर के प्रकोप से बचाव हेतु शहरी बेघरों को आश्रय गृह में बुनियादी सुविधाओं से युक्त आश्रय प्रदान किए जाने के संबंध में पर चर्चा हुई, जिसमें शेल्टर होम में आश्रय हेतु व्यापक प्रचार प्रसार, जागरूकता एवं रात्रि में कैंपनिंग कर शहरी बेघरों को शेल्टर होम में लाना सुनिश्चित करने, साथ ही रात्रि में खुले में सोने वाले व्यक्तियों को शेल्टर होम में ले जाने के लिए प्रतिदिन रात्रि में मोबिलाइजेशन चलाए जाने के साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति रात्रि में खुले में न सोए। उक्त के अलावा स्थायी शेल्टर होम के बारे में चर्चा की गई। मुख्य राजस्व अधिकारी परियोजना निदेशक दूडा मऊ द्वारा अवगत कराया गया कि आश्रय गृह में कोविड 19 के दृष्टिगत मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता व साफ सफाई इत्यादि कार्य प्रत्येक दिवस कराया जाए, कोई बेघर किसी भी परिस्थिति में बाहर सोता न मिले। इसके लिए टीम बनाकर रात्रि भ्रमण सार्वजनिक जगहों जैसे रेलवे जंक्शन, रोडवेज, ओवरब्रिज, पाइप के नीचे माल इत्यादि के बाहर अवश्य किया जाए। बैठक में उप जिलाधिकारी, समस्त शासी अधिकारी, शहर मिशन प्रबंधक मोहम्मद रिजवान एवं सीओ डूडा उपस्थित रहे। खुशी मोह जनपद से राशिद रजा के साथ अहमद जिया की रिपोर्ट।